10th, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का 5th चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको एचजी वेल्स ने लिखा है। इसमें करेक्टर स्केच को पढ़ेंगे। ग्रिफिन आप जानते हैं, यह प्रमुख पात्र है, तो इसी का चरित्रण बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की भी लिंक पड़ी है, अगर आपने देखा तो देख लीजिएगा। आइए देखें। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन द इनविजिबल मैन। तो ग्रिफिन का चरित्रण देना है, ग्रिफिन जो अदृश्य व्यक्ति है उसका चरित्रण देना है। आंसर इंट्रोडक्शन परिचय। ग्रिफिन इज द स्ट्रेंजर। ग्रिफिन अपरिचित व्यक्ति है। द होल स्टोरी मूव्स अराउंड हिम। पूरी कहानी उसके आसपास घूमती है। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वह कहानी का मुख्य पात्र है। दूसरी हेडिंग डालेंगे, ही इज कमिंग एट आइपिंग। आइपिंग में उसका आगमन। ग्रिफिन कम्स एट आइपिंग। ग्रिफिन आइपिंग आता है। ही स्टार्टल्स एवरीबॉडी। वह हर किसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देता है, भौचक्का कर देता है। ही इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। वह कहानी का मुख्य पात्र है। बट ही इज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। लेकिन वह एक सनकी वैज्ञानिक है। ही डिवाइज्ड एन एक्सपेरिमेंट टू बिकम इनविजिबल। वह एक प्रयोग करता है अदृश्य होने के लिए। देन ही स्टार्टेड लूटिंग एंड मर्डरिंग। तब वह लोगों को लूटना और मर्डर करना, परेशान करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हेडिंग, हिज डिस्कवरी। उसकी खोज। ही कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। तो मानव शरीर को पारदर्शी बनाने के लिए वह एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के बाद प्रयोग करता है। फाइनली अंततः ही इन्वेंट्स अ फार्मूला। अंततः वह एक फार्मूला की खोज करता है। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिमसेल्फ। वह खुद पर एक्सपेरिमेंट करता है एंड मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल, और अपने आप को अदृश्य कर देता है। लास्ट हेडिंग, इरिटेबल नेचर। चिड़चिड़ा स्वभाव। इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा। ग्रिफिन इज वेरी इरिटेबल बाई नेचर। तो ग्रिफिन बहुत चिड़चिड़ा है स्वभाव से। ही लॉसेस हिज टेम्पर ओवर पेटी थिंग्स। वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना मिजाज खो देता है, गुस्सा हो जाता है। एंड स्टार्ट हर्टिंग अदर्स। और दूसरों को क्षति पहुंचाने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। ही लॉसेस हिज कॉन्सेंस। वह अपने कॉन्सेंस को खो देता है, अंतरात्मा को खो देता है। ही सीम्स टू हैव बीन मिसअंडरस्टूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वह ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर वह समझ नहीं पाता है। ही फेल्स टू गेन सिंपैथी ड्यू टू हिज रेज एंड इरिटेबल नेचर। तो वह सहानुभूति पाने में असफल होता है, अपने गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण सिंपैथी पाने में असफल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।